रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। निमोनिया को लेकर शुरू किया गया अभियान, स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया निमोनिया को गंभीर बीमारी। कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण, पुल की मरम्मत करने की रखी मांग। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन, उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई बंद होने से जताई आपत्ति। भाई ने की भाई की हत्या, जमीन को लेकर हुआ था विवाद। चोरों ने दिया लाखों की चोरी को अंजाम, खाली घर को बनाया निशाना। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। दंतेवाड़ा में कलेक्टर के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में अभियान शुरू हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारी निमोनिया के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है, ताकि बच्चों में निमोनिया के लक्षण होने पर उसकी तत्काल पहचान कर समुचित उपचार प्रदान किया जाए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि निमोनिया एक गंभीर बीमारी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। मैं बताना चाहूंगा, स्पेशली चाइल्ड मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो साल भर के कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इनका जो मेन जो मृत्यु का कारण रहता है उसमें सेप्टिसीमिया एक बहुत बड़ा कारण रहता है, और उसमें भी जो निमोनिया है वो बहुत बड़ा वो उसमें फैक्टर रहता है। तो उसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा पूरे से छत्तीसगढ़ में सांस कैंपेन अभी चलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत सभी अपने फील्ड स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर, जितने भी सभी का उसमें ट्रेनिंग कम्प्लीट कर दिया गया है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे क्रिटिकल स्थिति में जाएं, उससे पहले हम कैसे उनको डायग्नोसिस करें और समय पे उनको हॉस्पिटल में लाएं, ताकि ये समय होने वाली जो मृत्यु है उससे बचा जा सकते हैं। अंबिकापुर में उदयपुर विकास खंड के ग्राम खोडरी के ग्रामीण बिजली की समस्या और पुलिया की मांग को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि राजबंधा मार्ग पर रपटानुमा पलिया का निर्माण किया गया था, जो कि ज्यादा बारिश होने की वजह से बह चुका है, जिसके चलते आवागमन रुक गया है, जिसे मरम्मत कर आवागमन को सुचारू रूप से चलने की मांग रखी गई है। वहीं ग्राम पंचायत खरसुरा के ग्रामीणों का कहना है कि बिजली की भी अत्यधिक समस्या है, जिसको लेकर कई बार कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को सूचना दे चुके हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य राधा रवि और साथ में मैं प्रदेश महासचिव के लिए अभी निर्वाचित हुई हूँ। मैं आज अपने जिला पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत खरसुरा, ग्राम पंचायत खोडरी से आई हुई हूँ। मैं काफ़ी समय से यहाँ पे आवेदन दे रही हूँ कलेक्टर महोदय को कि हमारी ग्राम पंचायत खोडरी में सर एक पुलिया की मांग है, जहाँ पर ह्यूम पाइप लगा करके पुलिया को वो कर दिया, बना दिया गया था तत्काल व्यवस्था के लिए, लेकिन बरसात होने के कारण वह पुलिया धसक गया। अब गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये परेशानी उन्हें 5-6 महीने से हो रही है, जिसके लिए मैं जनपद पंचायत में जिला पंचायत सीईओ को, यहाँ पे आपका कलेक्टर सर को, सभी को आवेदन दे चुकी हूँ। साथ में ग्राम वासी भी सभी को आवेदन दे चुके हैं मेरे आवेदन लगाने से पहले, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। सर, मैं बताना चाहूँगा जिला कलेक्टर महोदय जी से, ग्राम पंचायत खोडरी और खरसुरा में बिजली का समस्या है, जो काफ़ी दिनों से डिम लाइट रहता है, ठीक एक साइज में रहता है फुल लाइट, जिस जो ट्रांसफार्मर है वो कोई सरपंच हुआ कोई है जिसे वो अपने यूज के लिए कर रहे हैं उसे ट्रांसफार्मर को, ठीक है, तो उसे दूसरे मोहल्ले में कम लाइट रहता है। काफ़ी सरपंच अधिकारी लोगों से बात किए हैं, ग्रामवासी हम सब लोग कई बार गुहार लगाए हैं कि हमें नया ट्रांसफार्मर दिया जाए, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ काम हो
और यदि हमारी सुनवाई नहीं हो तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें दिन हो या चाहे रात हो, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिएंगे हम लोग। आज हम सुन के ही जाएंगे यहाँ कलेक्टर महोदय जी से। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र में चोरी की एक घटना सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने महिला के घर में धावा बोलकर अलमारी में रखे नकदी रकम और चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। बता दें कि महिला अपने पति के साथ गांव गई हुई थी, इस दौरान घर खाली था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। जसपुर में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई और भतीजे ने बड़े भाई की हत्या कर दी। बता दें कि भतीजे के कहने पर उसके चाचा जमीन जोतने गए थे, तभी छोटे भाई ने जमीन जोतने से मना किया। विवाद बढ़ने पर छोटे भाई और भतीजे ने लाठी से सर पर प्राण घातक हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पूरी घटना कोतवा चौकी क्षेत्र के झामझोर का है। सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और धरना दिया है। तो वहीं अधिवक्ता डी के सोनी से जिला उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई बंद होने के चलते एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा, जिसके चलते जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द कराने की मांग की गई है। आज 20 माह से इस न्यायालय में ना कोई सदस्य है ना अध्यक्ष है, जिसकी मांग को लेकर मैंने शासन को 10 ज्ञापन दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने जन भेंट मुलाकात में मुलाकात कर उनसे बोला कि आप नियुक्ति करें। उसके बाद इसमें आप बताऊंगा कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा इंटरव्यू लेने के बाद शासन को नियुक्ति करने हेतु पूरी लिस्ट भेज दी गई, लेकिन आज तक 20 माह से कोई भी नियुक्ति आदेश शासन के द्वारा जारी नहीं किया गया है। वो बीमा कंपनी के द्वारा कोई राशि नहीं दिया गया। फिर मैं गाड़ी भी ले लिया, गाड़ी लेने के बाद जैसे ही लिया गाड़ी रखा रह गया, गाड़ी बीमा कंपनी ने बनवाना ना पैसा नहीं दिया। फिर उपभोक्ता फोरम में जैसा इनका आदेश था मैं लगाया, लगाने के बाद अभी तक 2019 से लेके और अभी तक मामला मेरा वहीं लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ? यहाँ 2020 कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद फिर बता रहे हैं यहाँ कि नहीं कोई सदस्य नहीं है, ना यहाँ कोई जज है अध्यक्ष है, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहा है। पिछले मेरे को 4 साल हो गया। प्राइम छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।